हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जयपुर प्रदेश की भाजपा सरकार आने वाले विधानसभा में प्रदेश के किसानों को तुरूप का पत्ता मानकर चल रही है, लिहाजा भाजपा किसानों की कर्ज माफी के बाद किसान प्रदेश की सरकार से कितने खुश हैं, इसके लिए 10 लाख किसानों के घर घर जाकर भाजपा उनके हस्ताक्षर लेगी। किसानों के हस्ताक्षर लेने का जिम्मा भाजपा किसान मोर्चे के अध्यक्ष विधायक कैलाश चौधरी को सौंपा गया है। इस हस्ताक्षर अभियान में कर्ज माफी का लाभ लेने वाले किसानों से पार्टी मुख्यालय बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक शुरू हुई। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदनलाल सैनी, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी और अर्जुन मेघवाल समेत 21 सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रमों को हम मंडल स्तर पर और पंचायत स्तर पर ले जाकर काम करेंगे और जिससे कि हमारा लक्ष्य यही है कि हमारे किसान समृद्ध हो, किसान के लिए हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम क्या कर जितना हो सके वो करेंगे। सभी किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ पर यही तय किया है कि हम गांव गांव और ढाणी ढाणी जाकर किसानों के बीच में जाएंगे और किसानों की समस्या भी सुनेंगे और किसानों की समस्या का समाधान भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करके और आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा में हमारा प्रचंड बहुमत बने इसकी और हम आगे की करेंगे। बैठक से पहले भाजपा जिंदाबाद के नारे लगे। जयपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।